हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे अपने ब्रा के साइज को। देखिए, बहुत सारी लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता एक्चुअली में उनका साइज क्या है। वो काफी टाइम से डाल भी रही होती है लेकिन फिर भी उन्हें अपने साइज का नहीं पता लगता। तो उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए? देखिए, साइज को आइडेंटिफाई करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। और किस तरह से परफेक्ट ब्रा आपको चूज करना है, बहुत ही ज्यादा लूज ब्रा और बहुत ही ज्यादा टाइट ब्रा आपको क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। लूज आपके लिए बहुत ऑकवर्डनेस क्रिएट कर सकती है और टाइट बहुत अनकंफर्टेबल की साइड आपको ले जाती है। तो इन दोनों चीजों से, यानी कि अनकंफर्टेबल, जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए टाइट ब्रा, और जो लूज ब्रा जो बहुत ऑकवर्ड लगे और वो भी अनकंफर्टेबल तो रहते ही है, तो हमेशा आपको ये डर लगा रहता है कि वो बहुत अजीब वेयर्ड लगती है। तो आपको परफेक्ट साइज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, कभी भी ये हमेशा जान लीजिए, कभी भी आप अपनी ज़्यादा लूज या ज़्यादा टाइट की तरफ मत जाएं, अपना परफेक्ट साइज चूज करें और तभी वियर करें। अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से। तो चलिए आज हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपने, यानी कि जो न्यूली जो गर्ल्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में उनका साइज क्या है, तो वैसे भी काफी टाइम से कुछ डाल भी रही होती है, उन्हें भी नहीं पता होता। तो आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि आपको अपना बैंड एरिया जो है आइडेंटिफाई करना होता है। बैंड एरिया क्या होता है? जो ब्रा के जो नीचे इलास्टिक लगी होती है ना, वो आपका बैंड होता है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं बैंड एरिया। जो इलास्टिक होते हैं वो बैंड एरिया होता है हमारा, जो सर्कुलर में, यानी जो सबसे पतले वाला एरिया होता है, उस एरिया को आपने इंची टेप की हेल्प से खुद को मेजर करना है। यहाँ पर ये वाले पार्ट को आपने मेजर करना है, जो आपका अपर से लो ये बैंड एरिया होता है, जो सबसे पतले वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको आपने इंची टेप से मेजर करना है। अब ये जो एरिया होता है ना, हमेशा इवन में आना चाहिए, इवन नंबर में आना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये सारे इवन होते हैं। सपोज कीजिए कि आपने मेजर किया और आपका जो बैंड एरिया आ रहा है वो आ रहा है 36 का, तो ये बिल्कुल सही है। 36 जो कि इवन नंबर है, 6 जो कि इजिली 2 के टेबल में आता है, तो ये एक इवन नंबर हुआ। तो ये जो है इवन नंबर है, लेकिन बाय चांस आपने मेजर किया और आपका 36 नंबर नहीं आया, 36 की जगह आपने ये जब ये बैंड एरिया मेजर किया तो 36 की जगह आपका नंबर आ गया 35 का, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो कभी भी ओड नंबर नहीं लेना है और 35 को आप 36 मेजर करके चले, ठीक है ना? 35 को आप 30, आप ये मत सोचे कि वो 35 नंबर ही है आपका, क्योंकि ये जो हमारे ब्रा के साइजेस बैंड एरिया होता है ना, वो इवन नंबर में होते हैं, ओड नंबर में नहीं होते। तो आप 35 को 36 कर लें, 34 ना करें, कम नहीं करना है, एक नंबर बढ़ा लेना है, ठीक है ना? तो जैसे कि आपका 33, सपोज कीजिए कि आपका 33 आ गया, तो 33 को आप क्या करें, 33 को आप 34 कर दें, 32 नहीं करना है, ठीक है? आपने मेजरमेंट में इंची टेप लेना है और खुद को मेजर करना है, ठीक है, इंची टेप की हेल्प से। और आपने ये देखना है कि आपका कौन सा नंबर आ रहा है। अगर इवन नंबर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ओड नंबर आ रहा है, यानी कि 30 ओड नंबर है, 35 आ रहा है तो 36 कर लो, 33 आ रहा है तो 34 कर लो, कम नहीं करना है, 35 को 34 नहीं करना है, 36 ही करना है, 33 को 32 नहीं करना है, 34 ही करना है, एक नंबर बढ़ाना ही है, कम नहीं करना, कम से आपको थोड़ा टाइट फील होगा, ये जो है ये आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। अब आपने इवन नंबर कर लिया, फर्स्ट आपने बैंड एरिया जो है वो कवर कर लिया, यानी कि आपने बैंड एरिया देख लिया कि आपका कितना है। अब आपने अपर, यानी कि जो हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है उसे बस्ट बोलते हैं, अपर बस्ट बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है, अब आपने इस पार्ट को मेजर करना है सिंपल मेजरिंग मीटर की हेल्प से।
इस पार्ट को मेजर करके आपको अपने कप का साइज पता लगता है कि आपका कप साइज क्या है। कप साइज मार्केट में बहुत नंबर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी डबल डी ट्रिपल डी। इसके अलावा 7 को जी बोलते हैं, 8 को एच बोलते हैं, 5 के ऊपर ये जो ए नंबर्स हैं ये बहुत कम होते हैं लेडीज में, बहुत ज्यादा कम होते हैं, मैक्सिमम 5 तक ही होते हैं। इस वजह से मैं 5 तक ही लेके चल रही हूँ और इससे ज्यादा नहीं लेके चल रही। अब आप देखिए कि पहले तो आपने बैंड एरिया थे, अब आपने अपने अपर बर्स्ट देखना है, अपर बर्स्ट को मेजर करना है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपने उसे मेजर करना है इंच टेप की हेल्प से। ये ऊपर वाला पार्ट जो आपका बैंड एरिया होगा इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना, ज्यादा ही होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका बैंड एरिया आ रहा है 34 का, ये वाला एरिया आपने मेजर किया और ये आ रहा है 34 का, फिर आपने अपना अपर बर्स्ट एरिया मेजर किया, ये आपका बैंड एरिया है, बैंड एरिया, और ये है आपका अपर बर्स्ट। अपर बर्स्ट अगर आपने मेजर किया है, सुपोज कीजिए कि वो आपका 36 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अपर उभरा हुआ पार्ट है तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। अब हम कप साइज देख रहे हैं कि आपका कप साइज क्या है। तो ये क्या है कि अपर बर्स्ट आपका 36 आ गया, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 36 आ गया। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है ना, 36 माइनस 34, जो दो नंबर आपके पास आए हैं ना 36 30, इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस करके 36 माइनस 34 क्या होगा, इज इक्वल टू 2 होता है। 2 का मतलब ये है हमारे पास 2 नंबर, 2 यानी कि बी, यानी कि आपको जो कप का साइज है वो आपके कप का साइज है 2B का, ये है आपका कप का साइज। इस तरह से आपने कप के साइज को मेजर करना है। तो इसे आपकी, यानी कि अगर आपकी परफेक्ट जो ब्रा है ना वो 2B की आएगी, आप 2B की, नंबर क्या होगा आपका 34 का, और उसका, क्योंकि हर एक साइज में 30, 32, 34 हर एक साइज में कप के अलग अलग साइजेस आते हैं। तो अगर आपका माइनस करके 2 आ रहा है तो आपका कप का साइज 2B है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी केस में, कि मान लीजिए कि आपका अपर जो बैंड एरिया है वो 34 का है, लेकिन जब आपने अपना अपर बर्स्ट मेजर किया तो वो आ रहा है 37 का। कितने का आ रहा है, 37। तो अब आप क्या करोगे, 37 का आया है, 37 माइनस 34, कितना डिफरेंस आया है, 3 का डिफरेंस आया है। तो आपका साइज क्या हो गया, कप का साइज 3C हो गया। तो आपको कप का साइज 3C आएगा, यानी 34 नंबर ब्रा में आपको कप का साइज 3C आएगा। कप के साइज को भी देखना पड़ता है और कप के साइज को भी मेजर करना पड़ता है। जो कंपनीज की ब्रा होती हैं, जो अच्छी कंपनी की ब्रा होती हैं, उसमें हर एक कप का साइज होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी हल्की ब्रा लेने की कोशिश करोगे, थोड़े कम रेंज की तरफ जाते हो, तो उसमें आपको प्रॉपर कप साइज नहीं मिलते हैं, अच्छी कंपनी में मिलते हैं। तो अपने ब्रा का साइज जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपके ब्रा का साइज क्या है और आपके कप का साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ब्रा वेयर करें। कि और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अलग अलग क्लोथ पे अलग अलग ब्रा वेयर करनी होती है, यानी कि आप टी शर्ट्स में अलग वेयर करते हो और आपके जो पार्टीज में अलग वेयर करते हो, ये अलग अलग होती है। और एज का भी डिफरेंस होता है, 15 की एज तक हम स्पोर्ट्स ब्रा डालते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है, लेकिन 15 के बाद की बात करें तो हम नॉर्मल पैड वाली जो ब्रा होती है लेडीज के लिए, वो वियर कर सकते हैं, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये भी एज के अकॉर्डिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको अपनी ब्रा की जो साइज है उसका आइडेंटिफाई है वो पता लग गया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं उसका आपको आंसर दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।